हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार ने एक नई योजना लागू करने जा रही है, जिसके थ्रू आप सभी को, जो आप श्रमिक हैं, जो कुशल हैं, उनको 10-10 लाख रुपया देने के लिए तय किया गया है। यानी जिनके पास कुछ भी कुशलता होगा, चाहे वो किसी भी ट्रेड से क्यों ना बिलोंग करते हो। जैसे मान लीजिए आप अगर इलेक्ट्रिशियन है, या आप प्लम्बर है, या आपके पास किसी भी प्रकार का हुनर है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के बारे में पूरा वीडियो हम बताएंगे कि आप कैसे इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आपको क्या करना होगा। बिहार गवर्नमेंट ने आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी रणनीति बना रही है, जिसके थ्रू आपको लाभ होने वाला है। यानी आम जनता को जो रोजगार ढूंढ रही है, उनको लाभ होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आई एम समीर एंड मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज आपसे मिस न हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो भी श्रमिक या जो भी कुशलता हासिल है आपको, आपके थ्रू और भी बहुत ऐसे जो जिनके पास कुछ जानकारियां नहीं है और आपके पास जानकारी है, तो आपको सरकार देगी 10 लाख रुपया। कैसे देगी, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आप, जैसा कि मैंने बताया था कि श्रमिकों समूहों को उद्यम के लिए मिलेंगे 10-10 लाख रुपए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आज का पेपर हिंदुस्तान। अगर आपको दिक्कत है कि लग रहा है आपको फेंक है, तो आप आज के पेपर हिंदुस्तान उठाइए और उसमें आप जाकर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा डिटेल्स बताया हुआ है कि क्लस्टर की तर्ज पर उद्योग विभाग ने शुरू की मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना। ठीक है फ्रेंड्स, यह रोजगार सृजन योजना क्यों लागू किया गया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि कम से कम 10 कुशल श्रमिकों का समूह बनेगा और उस समूह में प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैसे, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको देने वाले। देख लीजिए फ्रेंड्स, उद्योग विभाग कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने को अब मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना शुरू कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तहत कुशल श्रमिक समूहों को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए राज्य सरकार 10 लाख तक की राशि उपलब्ध कराएगी। यानी उनको काम करने के लिए 10 लाख तक की राशि सरकार उनको देगी। आगे आते हैं न्यूज में फ्रेंड्स, तो आपको दिखाई देगा, दिखेगा यहाँ पे हर समूह में कम से कम 10 कुशल श्रमिक शामिल होंगे। यानी एक समूह बनाया जाएगा और हर जो भी समूह होगा, उस समूह में टोटल 10 कुशल श्रमिकों को रखा जाएगा। राज्य के सभी जिलों में ऐसे 2-2 सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रोजगार की स्वीकृत संचालन और पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। यानी हर एक जो जिले हैं, जैसे मैंने मान लीजिए मैं पश्चिमी चंपारण से हूँ, तो पश्चिम चंपारण में 2 ऐसे जगह संचालित किया जाएगा। यानी 2 जगहों पे इसके संचालन यानी 2-2 जगह पे, देखिए फ्रेंड्स, सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इससे इसका जो स्वीकृति होगी यानी संचालन करेंगे, वो पर्यवेक्षक के रूप में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। साथ ही यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रबंधकों को समूह की दक्षता को देखते हुए उद्योग चयन में मदद करने की के निर्देश दिए गए हैं। यानी हाल फिलहाल में अभी जो श्रमिक रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो श्रमिक रजिस्ट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह योजना बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि श्रम के पोर्टल पर, यानी जो श्रमिक रजिस्ट्रेशन के पोर्टल अभी चालू हुए थे, अब तक 75,000 मजदूरों का पंजीकरण किया जा चुका है। यानी अब तक टोटल 75,000 मजदूरों का पंजीकरण किया जा चुका है। इतनी बड़ी संख्या को देखकर बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह विभाग की ओर से खोले गए पोर्टल अब तक 75,000 मजदूरों के पंजीकरण करा लिया है। श्रम मंत्री ने कहा कि पोर्टल पर मजदूरों के पंजीकरण से सरकार को कार्य योजना बनाने में सुविधा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन और उद्योग विभाग की ओर से प्रवासी मजदूरों को स्किलिंग की गई है। यानी जो प्रवासी मजदूर है, उनकी स्किलिंग की गई है,
जो क्वारंटाइन सेंटर पे उनको किया गया है। इन स्किल्ड मजदूरों का डाटा नियोजन पोर्टल पर अपलोड, यानी जितने भी डाटा होंगे डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी अब तक देख लीजिए, अब तक 75,000। तो सरकार ये अनुमान लगा सकती है कि उसको जो क्या नीति बनाया जाए जिसके थ्रू सभी मजदूरों को काम मिल सके और सभी श्रमिकों को उनके योग्य काम मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया कि योजनाओं की स्वीकृति के लिए समिति गठित, यानी समिति गठित कर दी गई है योजना के स्वीकृति के लिए। योजना की स्वीकृति, संचालन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए हर जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। यानी प्रत्येक जिले में इसकी जो अध्यक्ष होंगे जिला पदाधिकारी गठित करेंगे। समिति में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, सदस्य सचिव, जिला योजना पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, ASME विकास संस्थान और श्रमाधीन सदस्य होंगे। यानी जो समिति बनेगी उस समिति में इतने मेंबरों को इंक्लूड करके ये जो समिति बनाई गई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया पूरा कि बजट उपलब्ध कराया, ठीक है। उद्योग मंत्री ने सभी प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि विस्तृत कार्य योजना प्रतिवेदन तैयार करें। विस्तृत में तैयार करने के लिए बोला गया है, उनमें भवन या शेड का सुदृढ़ीकरण, मशीनरी एवं कार्यशील पूंजी का पूरा विवरण शामिल हो, यानी पूरा विवरण के साथ तैयार करने को बोला गया है। हर जिले में ऐसे दो दो केंद्र स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 4 करोड़ का बजट भी उपलब्ध करा दिया गया। हालांकि जिलों को यह राशि किस्तों के रूप में भेजी जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर पूरा वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं, पूरा पेपर आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप पूरा वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को आप पॉज करके पूरा आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो आप पेपर, आज का पेपर है और आज के पेपर पे आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।